हाय फ्रेंड्स, मैं नीता नीता विक्रम मेंडर रेसिपीज पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है पनीर। जी हाँ, ये रेसिपी नहीं है, ये सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट है। आज मैं आपको एकदम सॉफ्ट और ताजा पनीर घर में किस तरह से बनाते हैं ये बताने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत आसान विधि से खाना बनाती हूँ और ये एकदम फ्री है। सॉफ्ट पनीर बनाने के लिए मैंने क्या ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करे हैं, चलिए इसे देखने के लिए ये वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप भी एकदम सॉफ्ट और फ्रेश पनीर घर पर बना पाए और आपके पनीर की सब्जी, पनीर के और भी व्यंजन बहुत टेस्टी बने। ये बच्चों के लिए बहुत फायदा करता है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन और कैल्शियम होता है। चलिए बनाना शुरू करें फ्रेश और ताजा पनीर। मैं लेने वाली हूँ 1 लीटर फुल फैट मिल्क और 2 चम्मच लेमन जूस या वाइट विनेगर। ये आज मैं दूध गर्म कर रही हूँ, ये मुझे थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसे फाड़ के इसका पनीर बना रही हूँ। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। आप सबसे पहले भगोनी में हल्का सा पानी डाल दीजिएगा, उसके बाद दूध डाल के उसको बॉईल करने रखिएगा। ये दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, अब इसमें मैं डालूँगी 2 स्पून वाइट विनेगर। आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम सिट्रिक इफेक्ट आता है और ये दूध को फाड़ देते हैं, यानी दूध का जो पानी अलग हो जाता है और फैट अलग हो जाता है। देखिए, ये एकदम दूध फटा हुआ सा दिख रहा है, छेना इतना अच्छा निकल रहा है इसमें। इसे चलाते रहिए करीबन 1-2 मिनट और फिर गैस बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर गर्म करेंगे तो आपका पनीर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। देखिए, ये कर्डल होने लगा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, तब तक मैं एक दूसरा बर्तन लेती हूँ और उसमें एक छन्नी लगा के इसके ऊपर मैं एक वाइट कलर का कपड़ा रख रही हूँ। कोई भी आप कपड़े से इसे छान सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये पूरा गरम गरम दूध का ये जो मिश्रण है इसे डाल रही हूँ। अगर आपने लेमन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करा है तो आप इसके बाद इसके छेने को आप थोड़ा सा ठंडे पानी से भी धो लीजिएगा, पर एक्चुअली मैंने बहुत कम विनेगर यूज़ करा है तो मैं इसे वॉश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अच्छे से इसका पानी निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा पानी निकाल के इसके ऊपर मैं एक चकला रख के उसके ऊपर एक स्टोन रखूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी, जिससे कि पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए, इसे मैंने छोड़ दिया, अब ये पनीर अच्छे से सेट हो गया। इसे खोल लेंगे, एकदम मार्केट जैसा फ्रेश पनीर देखिए कितना अच्छा बना है। ये तैयार हो गया है, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये बहुत फ्रेश है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप इस पनीर को हाल के हाल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे एक डिब्बे में बंद करके फ्रीज़र में रख दीजिए और फिर जब आप इसे दोबारा यूज़ करने के लिए निकालें तो थोड़ी देर इसे गर्म पानी में डाल के यूज़ करिए। ये बहुत टेस्टी पनीर बन के तैयार हो गया। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगली बार फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। टिल एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।